संडे का दिन था तो सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने ब्लू और सिल्वर कलर के इयररिंग बनाए। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोरस कॉटन लिया, पेपर पे पेंसिल से ये शेप ड्रॉ की, उसके बाद मैं इसे सीजर से कट करूंगी। कट करते टाइम हमें बहुत ध्यान से इसे कट करना है जो इसकी शेप है वो खराब ना हो जाए। तो आप देख रहे हो मैं सर्किल शेप में इसे कट कर रही हूँ। तो ड्रॉ किए हुए पार्ट को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैं लूंगी फैब्रिक ग्लू और जो पैटर्न हमने कट किया था उस पर फैब्रिक ग्लू लगा के मैं इसे कोरस कॉटन पे अटैच करूंगी। फैब्रिक ग्लू का यूज़ करने के बाद मैं इसको हमेशा ड्राई होने के लिए रखती हूँ। कोरस कॉटन पे अटैच करने के बाद भी हमें इसी शेप में इसे कट करना है, तो मैंने इसे अटैच कर लिया है। और हमेशा की तरह मैं भाई से कलर्स लूंगी। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लिया है। ब्लू कलर से मैंने जो पार्ट कट किया था उस बेस पे मैं ब्लू कलर करूंगी। यहाँ पे हमारे जो इयररिंग है वो ब्लू कलर के हैं, इसीलिए मैं बेस में ब्लू कलर कर रही हूँ। अगर हम कोई और कलर की इयररिंग बनाएंगे तो हम बेस में उसी कलर को पेंट करेंगे। यहाँ पे मैं फैब्रिक कलर से यूज कर रही हूँ, आपके पास कोई भी कलर हो आप यूज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे पार्ट पे कलर कर लिया है। अब मुझे चाहिए ब्लू कलर के बीड्स। भाई की थोड़ी सी और हेल्प लेते हुए मैंने ये वीडियो शूट की और इस चक्कर में मेरे सारे बीड्स नीचे गिर गए। ब्लू कलर के बीड्स के साथ मैं लूंगी सिल्वर कलर के बीड्स। और यहाँ पे शूट करते टाइम भाई सेंटर में बीड्स डालने भूल गया तो सारे बीड्स गिर गए। सेंटर में सिल्वर बीड लगाया और उसके साइड में 8 बीड्स लगाऊंगी मैं। साइड साइड में मैं ब्लू कलर के बीड्स लगाऊंगी जो मैं फैब्रिक ग्लू से अटैच करूंगी। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर के बीड्स हैं मैंने वो 20 से 25 के बीच में लिए हैं। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे जो बाकी के सर्कल्स हैं उनमें सेम ऐसे ही बीड लगाऊंगी। 4 सर्कल्स पे मैं ब्लू बीड्स लगा चुकी हूँ, ऐसे ही मैं सारे सर्कल्स पे लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू का जब हम यूज़ करेंगे उसके बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रखूंगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करूंगी। यहाँ पे मैं ब्लू कलर की इयररिंग्स बना रही हूँ इसीलिए मैं ब्लू बीड्स यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी कलर की इयररिंग बनाओगे तो बेस और बीड्स सेम कलर के ही लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने ब्लू बेस लिया है और ब्लू ही बीड्स लिए हैं। तो मैंने सारे सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं। अब मुझे सीक्वेंस लेने हैं तो मैंने ब्लू कलर के ही सीक्वेंस लिए हैं। इनको मैं जो ब्लू बीड्स हैं इनके साइड साइड में लगाऊंगी। सीक्वेंस लगाने के बाद हमें कुछ ये ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा 3D इफेक्ट आएगा, मतलब साइड में से फ्लावर टाइप में दिखेगा। जो सीक्वेंस है यहाँ पे वो मैं से दो दो करके सीक्वेंस ले रही हूँ। तो मैं थ्रेड से 2 सीक्वेंस लूंगी और उसके बाद साइड वाले बीट पे भी ऐसे ही 2 सीक्वेंस लूंगी। सीक्वेंस लगाते टाइम थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे जब हम सीक्वेंस लगाएंगे तो थ्रेड है वो बाकी जो बीट्स हैं वहाँ पे फंस सकता है, और थ्रेड एक बार फंस जाता है तो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में, और अगर थ्रेड को बार बार कट करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। दोनों इयररिंग्स को बनाने में मुझे 2 आवर्स का टाइम लगा था क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको हर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। 4 सर्कल्स पे मैंने सीक्वेंस लगा लिए हैं। अब मैं आगे के भी सीक्वेंस इसी टाइप से लगाऊंगी। आपको अगर कोई और इयररिंग पसंद है या फिर कोई और पैटर्न पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं वो इयररिंग बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये इयररिंग बनाते टाइम कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इस इयररिंग में सबसे लेंथी पार्ट सीक्वेंस लगाना ही है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थ्रेड का भी फंसने का थोड़ा सा डर रहता है। फेस्टिवल्स आ रखे थे तो मुझे लगा कुछ डार्क कलर के इयररिंग्स बनाती हूँ ताकि वो दूर से ही हाईलाइट हो जाए। सेंटर में मैंने सिल्वर कलर के बीड्स लिए हैं। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग बीड्स के कलर चेंज कर सकते हो। सीक्वेंस लगाने के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने सारे सीक्वेंस लगा दिए हैं। कैमरे में सीक्वेंस इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब सेंटर में मैं इसमें लटकन लगाऊंगी। लटकन के लिए मैंने 10 सिल्वर बीड्स लिए हैं और नीचे 2 ब्लू कलर के बीड्स लिए हैं, और साइड वाली लटकन के लिए मैं एक एक सिल्वर कलर का जो बीड है वो कम करती जाऊंगी। नीचे की साइड में लटकन लगाऊंगी, इसमें भी मैंने सेंटर में 10 बीड्स लिए हैं और नीचे 2 ब्लू कलर के बीड्स, और साइड में मैं एक एक बीड कम करती जाऊंगी। नीचे के जो 2 कलर के ब्लू बीड्स हैं वो हर में सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ हमें सिल्वर कलर के बीड्स में चेंज करना है। एक एक करके मैंने सारी लटकन लगा दी है। अब मुझे स्टॉपर लगाना है, तो मैं जो स्टड है उसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हमारे इयररिंग के बैक साइड में अटैच करूंगी। अटैच करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखूंगी ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। हमारा इयररिंग बन के रेडी है, हमें सिर्फ फिनिशिंग करनी है। तो फिनिशिंग के लिए मैं ब्लू कलर लूंगी और जो बैक साइड है वहाँ पर भी ब्लू कलर करूंगी। बैक साइड में आप चाहो तो वाइट कलर भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ब्लू किया है। तो ऑलमोस्ट मेरी इयररिंग्स बन के रेडी हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।